सभी ऑफिसर का लोकेशन बताइए। पुलिस अधिकारी बनने की भी एक सीमा होती है। आपने कई अफसर देखे होंगे, कोई 30 साल का तो कोई 50 साल का, लेकिन क्या आपने कभी किसी बच्चे को अफसर बनते हुए देखा है? नहीं ना। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जो कम उम्र में ही अफसर बन गया। अफसर बन ये बच्चा सभी को आदेश दे रहा है और अफसर वाले सारे काम भी कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां प्रयागराज में एक बच्चे को एडीजी के पद से नवाजा गया। ये कोई फिल्म का वीडियो नहीं बल्कि ये हकीकत है। पुलिस वालों ने इस बार कुछ अलग करने का सोचा तो उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसे बच्चे को एक दिन का एडीजी बनाया जाए जो किसी बीमारी से ग्रसित हो। फिर क्या था, पता चला कि प्रयागराज में एक 12 साल का बच्चा है जो कैंसर से पीड़ित है और वो बड़े होकर आईपीएस बनना चाहता है, जिसके बाद एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने हर्ष को प्रयागराज जोन का एडीजी बनाकर अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठाया तो नन्हे से हर्ष का चेहरा खिल उठा। एक कैंपेन चली थी जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया जो बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं, इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकल कर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है और इक्विपमेंट्स भी इस तरह के हमारे पास हैं कि जिनसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को है बीमारी उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है ऐसे सपोर्टर्स की जैसे हमारे पंकज रिजवानी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके पिता एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के रूप में जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हर्ष दुबे जी का आज का जो एडीजी का कार्यकाल है एक दिन का, वो सफलतापूर्वक ये पूरा करें तो मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। डॉक्यूमेंट भी इन्होंने साइन करेंगे, आज इन्होंने पेपर्स भी साइन किए मेरे बिहाफ पर और इनको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से जोन में कार्य किया जाता है। देखिए जरा इस बच्चे को कैसे एडीजी की कुर्सी पर बैठकर सभी पुलिस वालों से उनकी लोकेशन पूछ रहा है, कैसे वो अधिकारियों को आदेश दे रहा है, कैसे नन्ना सा हर्ष फाइल तक साइन कर रहा है। इस 12 साल के बच्चे को देखकर तो बस यही लगता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।